गोरखपुर जिले में संक्रमण अब हर तबके को अपनी चपेट में ले रहा है। महानगर के डॉक्टरों के बाद अधिकारी भी तेजी से संक्रमण की जद में आ रहे हैं। सोमवार को SDM सदर मुख्य राजस्व अधिकारी समेत 141 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, साथ ही 5 संक्रमितों की मौत भी हुई है। संक्रमित मरीजों में BRD, अस्थायी जेल, रेलवे कारखाना, रोडवेज के कर्मी भी शामिल हैं। इसके बाद से जिले में संक्रमितों की संख्या 2619 हो गई है। एक्टिव केस 1609 हैं, जबकि 951 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मौतों का आंकड़ा 54 से बढ़कर 59 पहुंच गया है। आपको बता दें, सदर SDM के कार्यालय के कुछ कर्मचारी पिछले दिनों पॉजिटिव पाए गए थे। इसकी वजह से एहतियात के तौर पर SDM ने सोमवार को एंटीजन किट से जाँच कराई। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, इसके बाद वह होम आइसोलेट हो गए हैं। इनके अलावा मुख्य राजस्व अधिकारी को भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सोमवार को शहर की बात करें तो 99 केस मिले हैं। इनमें बसंतपुर में 3, हुमायूंपुर उत्तरी में 4, बशारतपुर 8, गोरखनाथ में 2, बेतियाहाता के बगल वाले मोहल्ले जगन्नाथपुर में 9, रोडवेज के 4 कर्मी, सदर 2, कैंट थाना का 1 कर्मी, कलेक्ट्रेट परिसर के 3 कर्मी, रेलवे गोरखपुर के 2 कर्मी, धर्मशाला का 1, कूड़ाघाट में 3, घोष कंपनी में 2, बिछिया में 7, जटेपुर में उत्तरी में 3, तारामंडल में 1, बरगदवा में 1, विश्वपुरम 1, माधोपुर में 2, शाहपुर में 1, आर्यनगर में 2, जनप्रिय बिहार कॉलोनी में 3, विकास नगर में 1, झारखंडी में 2, रामगढ़ ताल में 1, लच्छीपुर में 1, सौदागर मोहल्ले में 1, आज़ाद चौक में, लाल डिग्गी में 4, नर्रे बुजुर्ग में 1, दाऊदपुर में 1, झरना टोला में 1, साकेतपुरी सिविल लाइन में 1-1 और रुस्तमपुर में 2 कोरोना संक्रमित मिले हैं। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि संक्रमितों के परिजनों को कोरोना जांच कराई जाएगी। दिलचस्प है कि पादरी बाजार के एक ही परिवार के 3 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 4 साल का एक मासूम भी शामिल है। लाल डिग्गी के एक ही परिवार के 2 लोग, रुस्तमपुर के अम्बेश्वरी अपार्टमेंट के रहने वाले एक ही परिवार के 2 लोग, गोला थाना के 3 कर्मी, भीटी खोरिया के एक ही परिवार के 3 लोग, पिपरौली के निवास के एक ही परिवार के 4 लोग, जगन्नाथपुर मोहल्ले के एक ही परिवार के 2 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इसी मोहल्ले के 7 अन्य अलग अलग परिवार के संक्रमित मिले हैं। हुमायूंपुर में एक ही परिवार के 2 लोग, इसमें 1 4 साल का मासूम भी शामिल है। आर्यनगर के एक ही परिवार के 2 लोग, बिछिया कॉलोनी के 2 परिवार के 2 लोग, इसी मोहल्ले के एक ही परिवार के 3 और लोग संक्रमित मिले हैं। वहीं CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में भटहट के गुलरिया में 1, चरगावा सिमरा मानीराम में 1-1 मरीज मिले हैं। इसके अलावा गोला के अतरौरा में 1, गोला में 3, वार्ड नंबर 5 में 1, कौड़ीराम के मलाव में 1, खजनी के उनवर खास में 1, खोराबार के नंदानगर में 1, पाली के टिकरिया में 1, पिपराइश में 3, पिपरौली के गीडा थाना में 2, भीटी में 5, सरदारनगर के चौरी चौरा और सहजनवा में 1-1 मरीज मिले हैं। उन्होंने बताया कि पॉजिटिव पाए गए मरीजों के परिजनों की जांच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आए लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। जिन जगहों पर पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, उन जगहों को स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य कराकर आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है।